बरोरा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले करंजी घाट से रेत परिवहन करने वाले 4 ट्रैक्टर से 24,20,000 रुपए का माल जब्त किया गया। स्थानीय अपराध शाखा के पथक ने अवैध रेत तस्करी कर रहे 4 ट्रैक्टरों पर कार्रवाई कर 24,20,000 रुपए का माल जब्त किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार LCB को सूचना मिली कि करंजी स्थित वर्धा नदी घाट से रेत का उत्खनन कर रहे ट्रैक्टर से रेत का परिवहन कर रहे हैं, जिसके आधार पर पुलिस ने करंजी घाट से करंजी गांव जाने वाले मार्ग पर नाकाबंदी की। उस दौरान 4 अलग अलग ट्रैक्टरों को रोककर जांच की, जिसमें करीब 4 ब्रास रेत ही पाई गई। ट्रैक्टर चालक के पास परिवहन परवाना नहीं था। पूछताछ करने पर चालक ने बताया कि करंजी वर्धा नदी घाट से रेत की चोरी कर शहर में बेचते हैं। पुलिस ने इस मामले में 4 ब्रास रेती तथा 4 ट्रैक्टर ऐसा कुल 24,20,000 रुपए का माल जब्त कर चालक अनिल शेंद्रे, प्रवीण उरकुड़े, आशीष थेरे, तुषार माथनकर, अमोल पारोधे, सुजीत कष्टी, जाकिर शेख, नीलेश मिलमिले के खिलाफ वरोरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया। आगे की जांच के लिए मामला वरोरा पुलिस को सौंपा गया। उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मुमक्का सुदर्शन, अपर पुलिस अधीक्षक रीना जनबंधु के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक महेश कोंडावार के नेतृत्व में पुलिस उप निरीक्षक विनोद बुरले, धनराज करकाड़े, स्वामीदास चालेकर, गजानन नागरे, अजय बागेसर, प्रशांत नागो से दिनेश अराड़े ने की।